1962, 65 और 71 की लड़ाई में जिन जाबाज शहीदों ने अपनी जान पर खेलकर विजय का सहरा बांधकर देश का नाम रोशन किया, आज उन शहीद जवानों के परिवार लोगों की रहमत और मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा सरकार और उससे पहले की सरकार ने उन परिवारों की कभी कोई सुध नहीं ली। सरकार ने शहीदों के परिजनों को 10 एकड़ जमीन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन जमीन मिलना तो दूर की बात है। सरकार शहीदों की विधवाओं को नाममात्र की पेंशन देकर उनके हित के बारे में बात कर रही है, लेकिन नाममात्र पेंशन मिलने के बावजूद भी वह लोगों के घरों में बर्तन धोकर मेहनत मजदूरी कर अपना और परिवार का पेट भरने को मजबूर है। लेकिन अब नौबत यह आ चुकी है कि शहीदों के परिजन सरकार के प्रति रोष और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए कर्नेल सिंह ने बताया कि उनके तीन भाइयों में से एक भाई देश के लिए शहीद हो चुका है। पंजाब सरकार ने शहीद परिवार को 10 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अकाली सरकार और कांग्रेस सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। किसी सरकार ने उनके इस मुद्दे को हल नहीं किया, जबकि कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख रेजिमेंट में मेरे भाई के साथ 1965 की लड़ाई में शामिल थे। उसके बाद 2002 से 2007 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी शहीदों के परिवार वालों की कोई सुध नहीं ली। बादल सरकार पर उम्मीद थी कि शायद वे जमीन के मुद्दे को हल करेंगे। हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी यूं तो 1965 में हुई पाकिस्तान पर भारत की जीत का 50वां साल का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जश्न में लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। लेकिन उनके परिवारों को जमीन ना देकर सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। सरकार ने एक लोहे की प्लेट और 200 ईंट लगाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। अगर सरकार 10 एकड़ जमीन देगी तो उसमें से 1 एकड़ जमीन सरकार को दान देकर लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए उसे काम में लाया जाएगा। आज शहीदों के 20 परिवार शामिल हुए थे, जबकि 161 परिवार 11 अप्रैल से पटियाला डीसी दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, जब तक उनकी भूख हड़ताल या तो खत्म होगी या फिर हमारी मौत होगी। हमारा रोष सरकार के साथ है। वन रैंक वन पेंशन केवल खाना पूर्ति की जा रही है। अब हमारी जान देकर इस मुद्दे को हल करेंगे, जबकि कोर्ट ने भी 3 महीने में जमीन देने के आदेश जाहिर किए हैं, लेकिन उनके आदेशों को भी सरकार नहीं मान रही है। अभी मेरे हाथों की मेहंदी सूखी नहीं थी, शादी को भी मात्र 9 दिन ही हुए थे कि तभी खबर आई कि सन 1971 की लड़ाई में शिंदर कौर के पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद सरकार ने उन्हें 10 एकड़ जमीन देने का वादा भी किया था। लेकिन इतने साल बीत चुके हैं कि उन्हें सरकार द्वारा जमीन नहीं दी गई, केवल उसके घर का गुजारा पेंशन से चल रहा है। एक बेटा है, गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कड़ी कि जो 1965, 1962, 1971 के भी जवान शहीद हुए हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट 10-10 एकड़ जमीन दिती देगी। वाहयोग, बड़े दुख की गल हैगी कि ये पंजाब अकाली दल भी रास कर चुकी है कई बारी, तो कांग्रेस भी रास कर चुकी है। एंड इतने बड़े दुख नाल मैं कहना पै रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा कि सिख रेजिमेंट दे विच मेरे ब्रदर नाल 1965 दे विच कश्मीर दे विच सम सैक्टर दे विच खुद लड़ रहा सीगा, ते ओ भी 2002 तो लैके 2007 तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुकिया है, उन्हें भी साड़ी कोई सार नहीं लई। सन कैसर की लड़ाई थी, मैनू कुछ नहीं उदों दे बाद मिलिया जिस दिन शहीद होए हैं। 9 दिन मेरी शादी नूं होए सी सारे, फिर मेरी शादी देवर नाल की गई, उन्होंने भी डैथ हो गई, देवर की भी डैथ हो गई, बच्चे मैं उन्होंने डैथ के बाद मैं उन्होंने शादी की। 3 बड़ी बेटियां मेरे को, एक बेटा। गवर्नमेंट ने साड़ी बिल्कुल सार नहीं दी। सन कैसर की लड़ाई थी, मैं बार बेटो हैं, सानू 10 किले जमीन अलॉट हुई सी, सानू वह भी नहीं मिली हैगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।